हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो तीसरा वनडे होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। तो क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको भी बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाए और अब अभी भी आप जो है बहुत अच्छा विन कर सकते हो इस मैच में, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक टीम बनाया है, तो चलिए मैं आपको न्यूज़ और कुछ अपडेट बताता हूँ। तो बात करते हैं विकेट कीपर से, ठीक है, और जो बाकी जो न्यूज़ है मैं आपको टीम बनाने के समय आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। विकेट कीपर पे आपके पास दो ऑप्शन है, साहिल हो पैन टॉम लेथम। दोनों ही लगभग जो है सेम कैटेगरी के बैट्समैन है। टॉम लेथम को आप हाइस्ट थोड़ा ऊपर रख सकते हो साहिल होप से, क्योंकि मैच जो कि न्यूजीलैंड में होने वाला है इसलिए जो मैं टॉम लेथम को लेने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे साहिल होप के साथ भी जा सकते हो। तो बात करते हैं बैटिंग की, बैटिंग पे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो है ऑप्शन आ सकते हैं। सबसे ऊपर मैं रखूँगा रॉब स्टीलर को, जो कि कंटिन्यू बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्रिस गेल को भी ले सकते हो। क्रिस गेल का जो खेलने के चांसेस है वो आप समझ लीजिए करीबन जो है 75% है। हालांकि वो इंजर्ड है लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि वो शायद खेल सकता है अगर वो मैच से पहले रिकवरी कर ले, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉलिन मुंड्रो को ले सकते हैं, इवेल लुइस को ले सकते हैं। तो ये जो प्लेयर है बहुत ही अच्छे प्लेयर है और आपको बहुत अच्छा विन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास जॉर्ज वॉकर है, हेनरी निकोल है और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जेसन मोहम्मद के साथ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अच्छे खासा ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर ऑलराउंडर की बात करें तो जेसन होल्डर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, डग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, रोमन पॉवेल। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है टॉड एस्ली, आप इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। और बात करते हैं बॉलिंग पे, बॉलिंग पे मैं आपको बता दूँ क्रिक विलियम को आप मत लीजिए क्योंकि ये इंजर है। तो आप उसे बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि आपका मिस प्लेयर अगर आपने उसे लिया हुआ तो अब मिस होने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा आप चाहें तो ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हैं, एशली नर्स को ले सकते हैं, लॉकी फर्गसन जो कि पिछले मैच में और ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, सेल्टन कार्टून को ले सकते हैं, सैलन पॉबलन को ले सकते हैं। ये कुछ आपके लिए अच्छे बॉलर है। और जो आउटसाइड चांसेस आप यहाँ पे रोशन फॉरवर्ड को बी टेन को भी मत लीजिए क्योंकि ये भी जो है अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल एक ही नहीं खेलेंगे, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे निकिता मिलर को ले सकते हैं जिनका खेलने के चांसेस लगभग 50% है। तो कुछ ये रहा न्यूज़ और कुछ इस तरह का मैंने कैप्टन यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे लेकिन मैं रॉस्टलर के साथ गया हूँ। तो मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ तब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर है आइवन लुइस, रॉस टेलर, कॉलिन मुंड्रो, जॉर्ज वॉकर एंड टॉम एस्ले। ये पांचों को आप मिस मत करिएगा और बहुत ही अच्छे जो है बैट्समैन हैं और आपको बहुत अच्छी जो है पॉइंट दिला सकते हैं। और बॉलर्स की बात करें यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट एंड लकी फर्गसन दोनों ही बहुत ही अच्छे बॉलर है और अपने दिन पे कभी भी आपको मैच जिता सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर है जो कि आप मिस मत कीजिएगा और अगर आप अच्छा जीतना चाहते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।